अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हमारे ना मुर्गी के 21 दिन पूरे हो चुके हैं। मैंने मुर्गी को ना कुड़त पर बिठाया था और ना अभी इसके 21 दिन पूरे हो चुके हैं। तो भाई इस बार ना मैंने बत्तख के अंडे रखे हुए, बत्तख के अंडों में से तकरीबन 28 दिन बाद जाके बच्चे निकलते हैं, मुर्गी के ना 21 दिन में निकल जाते हैं। पिछली बार गाइस हमारी मुर्गी के ना अंडों में से बच्चे नहीं निकले थे, पता नहीं अंडे ख़राब हुए थे क्या मतलब होता। तो फिर मैंने ना वो फार्मी मुर्गी के बच्चे रखे तो वो उसने पाल लिए थे। अभी गाइस ये है कि उसके ना दिन पूरे हो चुके हैं और अभी जाके देखने हैं कि अंडों में से उसके कितने बच्चे निकले हैं। इस बार अल्लाह के लिए ज़्यादा बच्चे निकले हैं, जितने भी निकले होंगे अच्छी बात है। अभी चलते हैं ऊपर और जाके देखते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं ऊपर आ गया और मैंने अपनी ये कुछ मुर्गियाँ बाहर छोड़ दी, एक मुर्गा और दो मुर्गी, बाकी वो मुर्गी हमारी ना अंडों पर बैठी हुई है। तो अभी हम लोग ना चेक कर लेते हैं, तकरीबन 1 बज रहा है। तो सुबह मैंने आना था, सुबह मैं नहीं आया, तो अभी मैं आया। उसको मुर्गी को सबसे पहले उठा लेते हैं, वैसे हल्की हल्की चू चू की तो आवाज़ें आ रही हैं। इसको उठा लूँ, तो मैंने साइड में रख लिया। बाकी एक ये वाला अंडा पड़ा है, इसमें से आ रही है चूचू की आवाज़। ये देख लो हल्का हल्का से तोड़ा हुआ है, बाकी बाहर निकल रहा है चूजा, ब्लैक कलर का है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट सब्र कर जा, बाकी कुछ अंडे का उसमें से कुछ अता पता नहीं है, उसमें से अभी तक नहीं निकला यही है। उसको भी छोड़ देते हैं अंडे को, थोड़ी देर बाद ना आके मैं देख लूँगा। अभी ऐसे ऐसे करके इसमें से बच्चा बाहर आ रहा है अंडे में से। बाकी फिर मुर्गी ने अंडा भी दिए, ये अंडा उठा लेते हैं। बाकी मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, अभी ये चूज़ा निकल जाए। और मुर्गियों का मैं बाहर ही रखूँगा, क्योंकि यार ऐसे ही वो चूज़ा निकल जाए तो मुर्गा मार दे चूज़े को, मुझे पता नहीं है ना चूज़ा मुर्गा चूज़े को मार भी सकता है। तो इसलिए इनको मैंने ना बाहर ही छोड़ा, बाकी मुर्गी अंदर ही रहे। A few moments later. तो गाइस अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो मैं आया हूँ देखने के लिए। दरमियान मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने अभी मैं देख लेता हूँ आके अपनी मुर्गी को और इसके जो एक चूज़ा है उसको। एक मिनट, मुर्गी को उठा लेते हैं। मैंने मुर्गी को यहाँ पर रख लिया, बाकी गाइस ये एक ही बच्चा निकला है फिलहाल, ले रहा इसको, तो इसका अंडों का ना खोल ले रहा, टूटा हुआ पड़ा है, छोटा सा प्यारा सा, ब्लैक एंड ब्राउन है। और बाकी अंडों में से तो गाइस कोई बच्चा बच्चा नहीं निकला है, ना ही कोई ना तोड़ने का निशान है चूजे का। इसे गाइस वैसे ही रख देते हैं मुर्गी को, शायद इसमें कल बच्चे निकल जाए, मुमकिन है। चल चलिए, वैसे बच्चा बहुत छोटा है, हिल भी नहीं रहा है, बैठा हुआ है एक ही जगह पर ध्यान से। बाकी गाइस मैंने मुर्गियां बाहर निकाली हैं, क्योंकि यार वो ना चूज़ा निकला ना उसको ये तंग ना करे, इसलिए मैंने मुर्गियों को ना इस पिंजरे में बंद किया हुआ है। कल के लिए मैंने इनको सिर्फ यहाँ पर बंद किया है, बाकी हमारी मुर्गी वहाँ पर है। The next day. वैस आज ना 22 तारीख है, तो मैं अभी मुर्गी को देखने के लिए आया हूँ अपनी मुर्गी का क्या बना, जो कि बाकी जो अंडे रहते थे उनमें से बच्चे निकले या फिर नहीं। ये रही हमारी मुर्गी जो कि बैठी हुई है, ये अंडा वही टूटा हुआ है, पता किसका अंडा है, ये शायद बत्तख का अंडा है। नहीं 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 छोड़ दे। तो बस ये रहा एक इसका चूज़ा, और हमारी मुर्गी पागल हो गई इस वक्त अंडे को खाने के लिए। चूज़ा इसके बाहर छोड़ देते हैं, ये रहा ये रहा इधर, इसके बाद मैं अंडे को बाहर निकालू। मेरी बतख का अंडा देख रहा हूँ, बाकी अंडे ये रहे और ये इसका साइज़ बड़ा है, तो ये बतख का है, बाकी ये भी बतख है, बाकी मुर्गियों के ये पता नहीं कब टूटा है। और ये उसको पी भी रही थी, अब पता नहीं इसने तोड़ा है या किसी और ने तोड़ा है, ये मुझे नहीं पता, ये बना ही नहीं है।
सारा लिक्विड ही लिक्विड है इसके अंदर। इसको मैं साइड में रख देते हैं यहाँ पर। बाकी मैंने रात को गए थे अपने ना चूजे को कुछ भी नहीं दिया था, इसको भी बाजरा वाजरा डाल देते हैं, मुर्गी को भी इसको अंदर रख देते हैं। भाई मैं इनके लिए बाजरा लेकर आता हूँ। ये रही इनकी प्लेट और बाजरा यहाँ पर रखा था मैंने। ये रहा बाजरा, इतना आया। चूजे को भी उठा लेते हैं। वैसे तो वैसे ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया, इसको पता ही नहीं है खाते कैसे, इसकी माँ इसे सिखा देगी। तो मुर्गी के अंडों में से ना 21 दिन में बच्चे निकल जाते हैं, जो बतख के अंडे होते हैं ना अगर वो उनके ना 28 दिन लगते हैं। तो ये अंडा शायद ख़राब था इसलिए इसे तोड़ दिया। बाकी एक ये अंडा है, इस अंडे के चांसेस है इसमें बच्चा निकल जाए। तो बाकी इन अंडे का तो कहते उनमें से बच्चे निकले, अंडे ख़राब होंगे। एक ही सिर्फ हमें बच्चा मिला है जो कि इस हैचरी में। तो देख रहे हो अभी माँ टोकरी में जाके बैठ गई, अभी इसको टोकरी में जाना है, इसको मैं उठा के अंदर रख देता हूँ। चलो एक मिनट, चलो जी। मुर्गी के हिसाब से 22 तारीख है, तो अंडे में जो मुर्गी के ना वो तो एक ख़राब हो गए, बाकी जो एक अंडा रहता है वो है बत्तख का। बत्तख के अंडे के का इंतज़ार करना पड़ेगा, मुर्गी यहाँ पर बैठी रहेगी, बत्तख के अंडे को ना सींचती रहेगी, फिर इंशाल्लाह अगर उसमें से बच्चा निकलना हो तो निकल जाएगा। और जब तक इसमें का बच्चा निकल जाएगा फिर इसको ना उठा के हम अलग जगह पर किसी केज में बंद करेंगे, अभी तो यहाँ पर ही रहे। और इसका फिर ना 28 तारीख को इंशाल्लाह देखते हैं, अगर बच्चा निकल जाता है बत्तख का तो अच्छी बात हो जाएगी, वरना फिर देख लेंगे। गाइस मैं ना अपनी मछलियों को अपना खाना देता हूँ, फिर हम चलते हैं नीचे क्योंकि इफ्तारी का टाइम भी हो रहा है। नीचे चले, इसको खाना डाल दे थोड़ा सा। ये मैंने पॉन्ड साफ किया था इसलिए इतनी चमक मार रहा है, मछलियाँ वाजें नज़र आ रही हैं, वरना तो मछलियाँ इसमें नज़र ही नहीं आती थी। इसे ढकते थे पहले जाली से क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बिल्ली रहती है, वो आती है आराम से एक हाथ डालती है मछली उठाती है और चली जाती है। तो यार सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया, अगर इस ब्लॉग को करो मैं यहाँ पर। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो यार लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप लोग तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिली नए ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।